अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्लोरेंस शुगर। आज मैं आपके लिए बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप एक बेबी शू को टॉपर अपने केक पे बना सकते हैं फॉन्डेंट का। ये आप इस शेप की आप ड्रॉ कर लें एक पेज पर। दो तरह के आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं, इसको आप कट कर लें। नॉर्मल साइज़ फ्री हैंड मैंने ये शेप्स बनाए हैं। जितना आपको शू चाहिए उसके आप हिसाब से वो शेप बना लें। अब आपको फॉन्डेंट लेना है, ठीक है। उसको आप अच्छे तरीके से गूंदने के बाद उसको आप बेल लें। ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, बस नॉर्मल साइज़। उसको एक 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें ताकि थोड़ा सा वो सेट हो जाए। उसके बाद इसके जो आपने कटिंग्स की हुई है वो आप इसके ऊपर रख के काट लें। मुझे दो शू चाहिए इसलिए मैं दो दफ़ा एक जो शेप है वो काटूंगी। मेरे हाथ जो कि उंगलियों पे जो कलर लगा हुआ है इसको इग्नोर कर लें, क्योंकि प्रोफेशनल बेकर जो होता है वो जब ऐसे बनाते हैं केक्स वगैरह तो उनके हाथों पे कलर्स वगैरह लग जाते हैं। ये अब दूसरी शेप भी हम दो दफ़ा इसी तरीके से काट लेंगे। उसको सेट होने के लिए रख देंगे। इसको कम से कम इन शेप्स को भी जो कटिंग हुई हुई है इनको भी आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। अब आप जो राउंड है उसको आप थोड़ा सा ब्रश की मदद से पानी लगाएं और दूसरा जो कटर है वो इसके ऊपर रख लें। आप इसके लिए आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं जहां आपको ज़रूरत हो। डेकोरेशन आप शू के अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं यहां पे जो डेकोरेशन करूंगी वो आपको दिखाती हूँ। दोनों मैंने बना दिए हैं। मुझे एक वाइट फॉन्डेंट भी चाहिए क्योंकि मुझे पिंक और वाइट के कलर से ये बनाने हैं। आप कोई भी डिज़ाइन आप देख के लें और जो बना सकते हैं वो बना लें। उसके ऊपर बेस जो है वो यही है। मुझे दो स्ट्रिप्स चाहिए सेम साइज में। और इसको मैं ब्रश की मदद से पानी लगा के तो वो इसके ऊपर लगा लूंगी। अब मैं फ्रंट पे छोटे फ्लावर्स की कटिंग्स करूंगी। ये कटर इजीली मिल जाता है हर कहीं पे। वहीं आपने पानी लगाना है ब्रश की मदद से और ये फ्लावर्स आप ऊपर लगा लें। यहाँ आप बो भी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वही लगा लें। बस हमारे जो बेबी शूज़ हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं।